गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हमारी थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने थोड़े से सिंपल क्वेश्चन किए थे, सेकंड में थोड़ा सा लेवल हाई करके किए, और यहाँ से हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड होते हैं। आपने बड़े ध्यान से क्वेश्चन करने हैं और इनके साथ साथ नोट्स भी बनाने। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। हमने एक स्फीयर बनाया, स्फीयर के अंदर हमने ये एक लार्जेस्ट कोन, इससे बड़ा कोन इसके अंदर नहीं आ सकता। लार्जेस्ट कोन स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है आपके पास, दिया कैपिटल आर है, इसको भी हम यहाँ पे भी कैपिटल आर ले लें। हम अपने पहले डायग्राम बना लेते हैं, हाइट इसकी हम एच ले लेते हैं, तो ये आपके पास क्या रहेगा, एच माइनस आर। अगर हम रेडियस ऑफ स्फीयर की कोण की बात करें तो रेडियस ऑफ कोण है, रेडियस ऑफ कोण की बात करें तो आपके पास क्या रहेगा, बीपी क्या रहेगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर अंदर दी हूँ, यही रहेगा आपके पास बीपी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2/4 वो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया, 2/4 माइनस एच स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास रेडियस ऑफ कोन। हमें करना क्या, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम शो करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन को हमने क्या करना है, मैक्सिमम। अब कोन का वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह बी पी आ जाएगा, बीपी का स्क्वायर इंटू में एच, एच इज योर हाइट ऑफ कोन, 1/3 पाई बीपी का स्क्वायर यानी कि 2h आर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। आपके पास वॉल्यूम को बी लिख लेते हैं, बी सी लिख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई 2h स्क्वायर आर माइनस एच क्यूब। अब आप एक बार डी वी बाई डी एच फाइंड करते हैं, 1/3 पाई कितना आ जाएगा यहाँ से, 4h आर माइनस 3h स्क्वायर, तो जब 4h आर माइनस 3h स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते हैं तो आपके पास डी वी बाई डी एच को अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं, ध्यान से देखना, 4h आर माइनस 3h स्क्वायर, 4h आर इक्वल 3h स्क्वायर, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई, 3h बाई 4, या फिर h की वैल्यू कितनी आ गई, 4r बाई 3। यहाँ से दो वैल्यूज हैं जिसको आपने यूज करने कर लेना, h की वैल्यू कितनी है 4r बाई 3। क्लियर, आपके पास h आ चुका है। अब आपने यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं इसका, देखिए ध्यान से इसको रब कर रही हूँ मैं यहाँ से, सेकंड डेरिवेटिव डी टू बी सी बाई डी एच, देखिए क्या रहेगा, 1/3 पाई यहाँ से क्या आएगा आपके पास 4r, विद रिस्पेक्ट टू एच का रहेगा डेरिवेटिव, एच का वन हो गया माइनस 6h, यही आपके पास। आपने अब इसका हमें पता ही नहीं चल रहा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पुट करके देखते हैं। आप यहाँ से r की वैल्यू पुट कर दीजिए, r की 3h/4 पुट कर दीजिए, 1/3 पाई 4 इंटू 3h/4 माइनस 6h, 4 से 4 कैंसिल, 6h में से 3h गए, एक नेगेटिव टर्म आएगी माइनस के 3h, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, लेस देन जीरो, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आ गया, मैक्सिमम, दैट कोन इज इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब देखिए यहाँ तक हमारा काम हो चुका है।
है, यहां तक का काम आपको क्लियर होगा। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से क्या है 8/27, उसको फाइंड कर दिया। इसको रब कर रही हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन यहां से था हमारे पास 1/3π टू एच स्क्वेयर आर माइनस एच क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम इज 4/3π आर क्यूब, 3π से 3π कैंसिल, क्लियर। अब हमें एक काम करना है, इसको सॉल्व करके देखने की हमारे पास क्या आंसर आता है। आपने यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आर क्यूब है, तो न्यूमिनेटर में हम एच को रिप्लेस कर देंगे आर की टर्म्स में। एच की वैल्यू कितनी है देखो, एच की वैल्यू है 4r/3, 4 यानी कि 60r² / 9 इंटू बी आर माइनस 64r³/3×9=27 / 4r³। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर हम लें 32r³, इसको हम लिख देते हैं 32r³/9 माइनस 64r³/27/4r³, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। 27 एलसीएम, 32 3 2 6 96 r³ माइनस 64r³ इंटू जो 1/4r³ है, इसको हम ये कैसे आएगा आपके पास 1/4r³। अब ध्यान से देखो r³ कॉमन लेके कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा 32/4×27, तो कितना आ गया आपके पास 8/27। यही हमें प्रूव करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद आपने पॉज करके ये क्वेश्चन दोबारा से बिना देखे करना है। इस क्वेश्चन को जब तक आप ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन को जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी, आपने खुद सॉल्व करके देखना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत थी, रेडियस फाइंड किए सबसे पहले हमने, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन को हमने लार्जेस्ट दिखाना था, मीन सेकेंड डेरिवेटिव को हमने क्या करना था नेगेटिव शो करना था, और फिर आपने इनकी रेशियो निकाल दी 8/27 जो कि रिक्वायर्ड थी आपको पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर की असाइनमेंट भी आपको खुद सारी मिलेगी। अगर हम टोटल क्वेश्चन देखें इसके तो अप्रॉक्स इसके 70-75 क्वेश्चन बनते हैं, 30-32 क्वेश्चन तो इसके एग्जाम्पल्स में हैं, 30 क्वेश्चन के आसपास इसके एक्सरसाइज में हैं, और उनमें से एनसीईआरटी के अंदर आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाते हैं, हार्डली 5-6 क्वेश्चन रहते हैं जो कवर नहीं होते, वो आपने एनसीईआरटी कॉर्नर से करने हैं, मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगी। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन, शो दैट एवरी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट एंड गिवन स्लैंट हाइट इज टैन इनवर्स रूट टू, इज टैन इनवर्स रूट टू। कोण को देखते हैं हम, मेरा कोण, इसकी स्लैंट हाइट गिवन है
मीन्स गिवन है तो आपको मतलब बताया हुआ है गिवन का क्या होता है, गिवन का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट गिवन है। आप देखिए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम आर और एच दोनों में से कोई भी कांस्टेंट गिवन नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप एक काम करिए, वॉल्यूम कितना आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर को आपने लिख दिया एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बाहर एच है तो मैंने ये एच यहाँ और यहाँ पे एक क्यूब लगा दिया। क्लियर, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया। अब हमने डी वी बाई डी एच ही कर दिया 1/3 पाई, यहाँ एच के रिस्पेक्ट से करेंगे एल स्क्वायर, यहाँ पे 3x2। सिंपल, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। तो आपके पास यहाँ से एल स्क्वायर माइनस 3x2 किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, एल इक्वल 3h आ गया आपके पास, एल इक्वल 3h आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, एल इक्वल अंडर रूट 3h आएगा और आपने सेकंड डेरिवेटिव ले डी टू बी बाई, पहले ही काम खत्म कर लेते ना फिर करेंगे बाकी जो हमें प्रूफ करने को बोला है। एल इक्वल रूट 3h आ गया, अब डी टू बी बाई डी एच स्क्वेयर करते 1/3 पाई, एल कॉन्स्टेंट है गिवन जीरो, यहाँ से कितना आ गया माइनस 6 है तो कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लेस देन जीरो आ गया, मीन्स वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास मैक्सिमम। और मैक्सिमम आया तो कब आया, व्हेन एल इज रूट 3h। अब एल की वैल्यू रूट 3h है, आपको टैन इनवर्स निकालना है, प्रूफ करना है। सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, ठीक है, एल की वैल्यू आपके पास रूट 3h है, टैन इनवर्स 2, ठीक है। आपने टैन अल्फा निकाला, टैन अल्फा किसके इक्वल होगा, पी बाई बी एच बाई आर, आर की वैल्यू क्या थी आपके पास, आपने ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा था एल स्क्वेयर इक्वल आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर लिखा था, एल स्क्वेयर का मतलब 3h स्क्वेयर, आपको आर की वैल्यू निकालनी है, एच स्क्वेयर इधर आके माइनस हो गया, आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई 2h स्क्वेयर है ना। तो आपके पास देखिए यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √2h, आपने r भी क्या लिख दिया √2h लिख दिया। अब आपको tan थीटा निकालना है, अल्फा ये है कि एंगल के सामने को मतलब परपेंडिकुलर, भी नो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय पी बाय बी बेसिस एच। तो आपके पास tan अल्फा, सभी वर्टिकल एंगल tan अल्फा कितना आ गया अंडर रूट 2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास tan इनवर्स 2। तो आपको लास्ट में जो पूछा गया जैसे इसे पिछले क्वेश्चन में 8/27 रेशियो को प्रूव करना था, यहाँ भी ये एंगल प्रूव करना है, तो लास्ट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमें ये एंगल प्रूव करें। क्लियर, क्लियर है, आगे करते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके। लेट पॉइंट क्या है हमारे पास, लेट पॉइंट बी
x comma y, distance देखिए अगर हम x minus 1 का square, y minus 4 का square, यही रहेगा distance under the root. जैसे पहले किया हमने d square निकाल लेते हैं, x minus 1 का square, y minus 4 square. अब पूरी equation एक ही term में होनी चाहिए. अब देखो ये point यहाँ पे lie करेगा, यहाँ पे x की value निकाल लेते हैं, y square by 2 minus 1 का square plus y minus 4 का square. सिंप्लीफाई करते हैं, y की पावर 4 by 4 plus 1 minus 2ab y square. यहाँ से आएगा आपके पास y square plus 16 minus 4 to the 8y. y square से y square cancel, आपके पास कितना आ गया, y की पावर 4 minus 8y plus 16 by 4. ये क्या आ गया आपके पास, b square. अब डिस्टेंस को हमने मिनिमम दिखाना है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, b b square by b by कितना आएगा, 4 by cube minus 8 by 4. y square by 2 का whole square 32 by आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ऐसे मिले हाँ ऐसे मिली हमने, yes यहाँ पे ऐसे मिली है, यहाँ पे ऐसे मिली है ना, y square by 4 minus 8 by plus 16 ऐसे है. डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर ले लेंगे ऐसे, यहाँ से कितना आएगा, 4 by cube by 4 minus 8 by 8 आ गया, ये कैंसिल, 16 का 0. तो जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल शो करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल 0 के इक्वल शो करेंगे, तब क्या होगा आपके पास, जैसे ही आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल शो किया तो आपके पास y क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 8. y की वैल्यू कितनी आ गई, 2. y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2. अब सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि डी टू d square by dy square, second derivative देते हैं यहाँ से, कितना आएगा, 3y square at y equal to 2, 3 into 2 का square 4, यानी कि greater 0 आ गया, positive आ गया, यानी कि positive आया, तो क्या है distance, minimum है, minimum distance है आपके पास, जो कि आपने prove करना था. और point क्या आ गया आपके पास, y की value 2 आई है, तो x आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 है तो x की कितनी आ गई 2. कैसे पता चलेगा, y की 2 यहाँ कर दो तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 कोमा 2 वो पॉइंट है विच इज नियरेस्ट टू दिस पॉइंट 1 कोमा 4. सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपके पास. आपने इस एक्सरसाइज की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. कोई भी डाउट आएगा आप लोग हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. आपने इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि कहीं सोचे कि इतने सारे कर लिए चलो एक दो छोड़ देते हैं, नो, ईच एंड एवरी कॉर्नर इस एक्सरसाइज का आपने टच करना है. ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं. Find area of greatest rectangle that inscribe in a ellipse. Find area of greatest rectangle that inscribe. This point is 0, b. This point is 0, minus b.
नाउ एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल की थोड़ा सा शेप दे देना है। ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इस टाइप से आएगा हमारे पास, जैसे तो नहीं लग रहा है, रेक्टेंगल ही सोच लेना है। ठीक है, तो आपके पास ये ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल है। अब ये साइंस स्टूडेंट्स ने तो ये काफी किया हुआ है काम, जो हमारे पास यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो ये कॉस थीटा होता है, वाई का कोऑर्डिनेट इज बी साइन थीटा। यहाँ पे आपके पास एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस ए कॉस थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स आपने ध्यान रखते हैं बी साइन थीटा, ये पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे एस के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, वाई नेगेटिव है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। आर के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिगर ड्रॉ करना, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू की लेंथ क्या रहेगी, क्योंकि रेक्टेंगल के एरिया भी नो पी क्यू इंटू पी एस लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा, तो पी क्यू की लेंथ क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ ए कॉस थीटा है, यहाँ से यहाँ ए कॉस थीटा है, बट विद डायरेक्शन भी आपका पुट नेगेटिव साइन ना, तो आपके पास कितना हो गया ये पी क्यू की लेंथ, टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली पी एस की लेंथ क्या रहेगी, बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा, टू बी साइन थीटा। क्लियर, तो आपके पास अगर एरिया की बात करें हम, एरिया यहीं पे लिख रही हूँ मैं, एरिया की बात करें वो क्या रहेगा, पी क्यू इंटू पी एस, टू ए कॉस थीटा इंटू टू बी साइन थीटा। तो आपके पास आ गया टू ए बी साइन टू थीटा, इसको अब हम यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं फिगर को ड्रॉ रख कर रही हूँ, या फिगर को रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, हम क्वेश्चन रख कर देते हैं, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ के दिखा देते हैं आपको क्या है। अभी तो आपकी इसके ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल था हमें यहाँ तक तो क्लियर है, एरिया कितना आ गया, टू ए बी साइन टू थीटा। तो आपके पास डी ए बाई डी थीटा कितना आएगा, टू ए बी साइन टू थीटा का कितना आ जाएगा, कॉस टू थीटा इंटू में टू थीटा का फोर। क्लियर, इसको जब हम जीरो की इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास कॉस टू थीटा जीरो आ जाएगा। कॉस थीटा जीरो कब होता है, व्हेन टू थीटा इज पाई बाई टू, यानी कि थीटा इज पाई बाई फोर, थीटा भी आ गया हमारे पास पाई बाई फोर। अब सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं इसका, डी टू ए बाई डी थीटा स्क्वायर, फोर ए बी कॉस टू थीटा का क्या रहेगा, माइनस साइन टू थीटा इंटू में टू, टू का ये क्या बन गया ए, यानी कि ये हो गया लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स मैक्सिमम, यानी कि एरिया को हमने क्या शो कर दिया, मैक्सिमम। और उन्होंने पूछा अगर मैक्सिमम शो कर दिया तो एरिया भी बताओ कितना होगा, टू ए बी, एरिया आपके पास साइन टू थीटा था ना, थीटा को आपने क्या प्रूव किया है, टू ए बी साइन टू इंटू फाइव बाई फोर, यानी कि फाइव बाई टू साइन नाइनटी इज वन। तो आपके पास एरिया कितना आ गया, टू ए बी। आपको एरिया भी फाइंड करना था कि जब आपका मैक्सिमम आएगा तो एरिया बताओ कितना आएगा। क्लियर, आपके एरिया के अंदर रेक्टेंगल को आपने फिक्स किया, जिसका एरिया आपने लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम दिखा दिया, उसके बाद एरिया भी फाइंड कर दिया, थीटा इक्वल पाई बाय फोर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे, आपके टेस्ट में भी डलेंगे, आपने अच्छे से करनी है ये क्वेश्चन, टेस्ट ये कमिंग टेस्ट ही आगे आने वाले टेस्ट में होंगे, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स।